इंडिया आज तक आपकी आवाज। देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों संगठनों ने मिलकर के आज पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रोटेस्ट किए। केंद्र सरकार जो दोबारा से चुन करके आई है पूंजीपतियों के हकों में आज मजदूर विरोधी श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी बदलाव कर रही है, जिसमें न्यूनतम वेतनमान की गारंटी खत्म है और जो ESI PF जितने हड़ताल धरना प्रदर्शन ये सारे मतलब उसको खत्म करने जा रही है। एक तरीके से गुलामी की प्रथा को दोबारा से पूंजीपतियों के मुनाफे में लूट में कोई रोड़ा ना बने ऐसे सारे काम सरकार कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। एक बात दूसरा, हरियाणा सरकार ने अभी जो ट्रिब्यूनल गठित किया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कर्मचारियों की मांग थी, हम साफ कहना चाहते हैं कर्मचारियों की कोई मांग नहीं थी, सरकार के अपने दिमाग की उपज है, हम इसका विरोध करते हैं और इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग करते हैं। तीसरा, रोडवेज का जो इशू है, विजिलेंस की जांच हुई, 510 जो परमिट टेंडर किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बस हायर करने के लिए दिए थे वो साबित हो गया कि 900 करोड़ का घोटाला हुआ है। 900 करोड़ का सरकार ने विजिलेंस की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ निचले दर्जे के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट कर दिया। हम सरकार से कह रहे हैं कि यही बात हम कह रहे थे कि हजारों करोड़ का घोटाला है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी, परिवहन मंत्री भी, ACS भी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी रट लगा रहे थे कि ये भाजपा की सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ हुआ है। अब क्यों कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? अगर भ्रष्टाचार हुआ है जो एक्सेप्ट कर लिया सरकार ने भी, तो किलोमीटर स्कीम को रद्द करें। एक बार जनता से माफी मांगे सरकार कि 18 दिन तकलीफ आपको झेली और कर्मचारियों के खिलाफ जो मुकदमे बना रखे सारा को वापिस ले, लेकिन ऐसा करने की बजाय सरकार किलोमीटर स्कीम जारी रहेगी, इतने भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका विरोध। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती कि सारी 10 की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों की फेडरेशन दिल्ली में मीटिंग करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन का निर्णय लेंगे। हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं क्योंकि सारा जो कुछ किया जा रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है, इसलिए ये ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री को DC कार्यालय के मार्फत भेजा है। नंबर एक विषय ये है कि जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी से पहले के कानून हमारे हक के बनवाए थे, अब मोदी साहब उन कानूनों को देश के बड़े पूंजीपतियों और विदेशी पूंजीपतियों के कहने से उसको बदलकर मजदूर विरोधी कर रहे हैं और मालिकों के हक में। इस तरह से मामले को लेकर आप चल रही, क्या लगता है आपको, सरकार मानेगी प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन? हम लड़ाई में यकीन करते हैं और हमें विश्वास है कि हम लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। लगातार लड़ते लड़ते उम्र बीत गई आपकी, कोई बात नहीं, लड़ाई चल रही है। क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकारें सुनती रही है, जब हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़के कानून बनवाया है तो ये जो इस देश के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं इनसे भी लड़ कर कर हम कानून पीछे कराएंगे, ये हमें उम्मीद है। लेबर लॉ के अलावा और भी कोई ज्ञापन विषय है? इसके अंदर सारा लेबर लॉ के अंदर ही डाल दिया, किसानों की समस्या है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए आप ट्राइब्यूनल बना रहे हैं, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करके आप नेशनल मेडिकल कमीशन बना रहे हो, प्राइवेट पूंजीपतियों को कॉलेज खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए आप इजाजत दे रहे हो, रेलवे को जो हमारी संपत्ति है रेलवे उसका निजीकरण कर रहे हो, पूंजीपतियों को चलाने के लिए दे रहे हो, हर चीज जहाँ कहीं भी देखो पूंजीपतियों के लिए। रोडवेज का हमारे साथी लंबा जी और अन्य साथियों ने, इन्हें तो हमें फख्र है इन साथियों के ऊपर, इन्होंने हड़तालें की, जेल गए, एस्मा लगा इनके ऊपर में, डिसमिसल हुई, लेकिन ये साबित कर दिया कि मजदूर सही था। 900 करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार की छत्र छाया के नीचे है, खट्टर साहब कैसे जिम्मेवार नहीं है? हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर उसके नेतृत्व में भ्रष्टाचार होता है तो कैसे जिम्मेवार नहीं है इनका? इसलिए हम कहते हैं हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। सक्षम के नाम पर, सक्षम के नाम पे तीसरा है जो किसान की मांगे हैं, भारतीय किसान सभा भारतीय किसान सभा के द्वारा
किसानों से संबंधित मंडियों में जो दिक्कतें आती है उस पर समाधान किया जाए। सभी ज्ञापनों को मैंने ले लिया और सरकार को उचित माध्यम से भिजवा दिया। एसडीएम साहब, साल दर साल ज्ञापन मिलते रहते हैं सरकारों के नाम, राज्यपाल के नाम, जिला उपायुक्त के नाम, आखिर होता क्या है? इन ज्ञापनों से कोई फायदा मिलता है क्या किसी को, ज्ञापन देने वालों? ज्ञापन होते हैं समुचित माध्यम से जहाँ अधिकारी के पास पहुँचा दिए जाते हैं, बहुत प्रोग्रेस भी होती है, कुछ इश्यू जो हो सकता है रहने, बट ज्यादातर सरकार कोशिश करती है।